बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम सेवन मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड के डे 23 पे बात करेंगे। तो डे 23 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास के फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए उनके आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका पार्ट नंबर ए है हमारे पास के -5/6 और मल्टीप्लाई बाय -5/6। अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है बेस जो है वो आपके पास क्या है सेम है और जो पावर है वो आपके पास क्या है डिफरेंट है। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपके पास डिफरेंट हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो -5/6 ये जो बेस है इसको आपने वैसे का वैसे लिखना है, एक बार लिखना है, आपने -5 इसको प्लस नहीं करना। जिस तरह बेस होगी उसको आपने वैसे का वैसे तो -5/6 और इसकी पावर है 2। अगर मल्टीप्लाई में पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड होती है तो ये आपके पास है 2 और प्लस इनटू -5। तो पावर आपस में ऐड होती है 2 और प्लस माइनस माइनस 5। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे -5/6 2 माइनस 5। तो -5/6 की पावर आपके पास कितना देगा -5, क्योंकि ये 2 प्लस के आपके पास और माइनस 5 तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास कितना आना था माइनस 3 आपके पास आ गया। तो आपके पास पावर क्या है माइनस की फॉर्म में, तो इसको आपने प्लस की फॉर्म में करना है। तो जब आप प्लस की फॉर्म में करेंगे तो इसको आपने ये जो टर्म है इसको आपने क्या कर देना है उल्टा देना है। तो ये आ जाएगा -6 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। जब आप इसको उल्टाएंगे तो पावर आपके पास क्या आ जाएगी प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। तो -6 और 5 की पावर आपके पास क्या 3, और ये 3 हमें बता रहा है ये जो पावर हमें बता दिया कि हमने 6/5 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 6 की पावर 3, तो ये आपके पास आ गया 6 × 6 × 6 और 5 की पावर 3 है 5 × 5 × 5। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 260 और 5 × 25 5 × 25, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर बी है 8/13/5 / 8/13/3। यहाँ भी आपके पास बेस सेम है और पावर आपके पास क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे भी आपके पास बेस सेम थी, पावर डिफरेंट था, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा था। मल्टीप्लाई में पावर आपके पास क्या होती है ऐड होती है, और जब डिवाइड हो रहा तो पावर आपस में माइनस होती है। तो 8/13 की पावर ये 5 है ये 3 है, तो 5 − 3। तो 8/13 5 से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 8/13 की पावर 2 है। 8 को भी आपने खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना है और 13 को भी आपने खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना है। 8 × 8 / 13 × 13, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 13 × 13 = 69 आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद डे 24 पे हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिए होंगे उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसका पार्ट नंबर ए है के 6 की पावर -2 और होल की पावर आपके पास क्या है -4। यहाँ पे आपके पास है पावर ला आपके पास यूज हो रहा है कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और एक अगर ब्रैकेट के बाहर एक पावर है तो पावर को पावर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये आपके पास आ गया 6, तो -2 × -4 के जो एक ब्रैकेट के अंदर पावर होगी और एक ब्रैकेट के बाहर पावर होगी दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया 4 × 2 = 8। तो ये था आपके पास जो हम ये वैल्यू फाइंड करनी 6 की पावर 8। अगर आप इसको मजीद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 6 की पावर 8 है। अब ये 8 हमें बता रही है कि हमने 6 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में कह रहा है -7 की पावर 2 और होल पावर है -4। तो -7 की पावर ये 2 को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा -7 और 4 × 2 = -8। तो इसकी पावर आपके पास के माइनस की मानती है तो इसको आपने प्लस कर दें, तो आप ऐसे करें कि इसके नीचे लगा 1 लगा के तो इसको आप उल्टा दें। जब आप उल्टाएंगे तो पावर आपके पास क्या आ जाएगी प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगा 8। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख दें, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि
माइनस वन बाय सेवन की पावर के। यहाँ पे हमारे पास वन है, अगर वन की पावर आप वन को एक बार मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास वन ही आएगा। वन मल्टीप्लाई वन, वन को वन से जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा, वन ही आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद डे 25 है हमारे पास, डे 25 में हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपने सिंपलीफाई करना है। तो इसका पार्टनर ए है, ए बाई सिक्स की पावर थ्री मल्टीप्लाई ए बाई सिक्स की पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई ए बाई सिक्स की पावर सेवन। यहाँ पे आपके पास जो है ए बाई सिक्स की पावर थ्री और ए बाई सिक्स की पावर सेवन, ये आपके पास प्लस की फॉर्म में है और ये आपके पास माइनस की फॉर्म में है। तो हम ऐसे करते हैं जो प्लस की फॉर्म में है इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और जो माइनस है उसको हम वैसे का वैसे रह लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया ए बाई सिक्स, क्योंकि बेस आपके पास सेम है और पावर आपके पास क्या है, डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए बाई सिक्स बेस आपके पास आ गया और ये थ्री प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय आप इसकी पावर का आपके पास क्या माइनस है, तो इसको आपने प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो इसको आपने क्या करना है, उल्टा देना है, सिक्स ऊपर आ जाएगा और ए आपके पास नीचे आएगा, तो इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी, फाइव आ जाएगी। तो यह लिखा ए बाई सिक्स सेवन थ्री टेन मल्टीप्लाई बाय सिक्स ओवर ए की पावर आपके पास क्या आ गया, फाइव आ गया। तो ये आपके पास ए बाई सिक्स की पावर टेन है और ये सिक्स ओवर ए की पावर फाइव है। अगर यहाँ पे भी आपके पास ए बाई सिक्स की पावर फाइव होता तो हमने पावर को क्या कर देना था, ऐड कर देना था, लेकिन यहाँ पे बेस इनकी के आपके पास क्या है, डिफरेंट है, तो हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं कि इसकी पावर टेन है इसकी पावर क्या है, फाइव है। तो इसकी पावर भी हम फाइव 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 देना है, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जितना ये हमारे पास ए की पावर टेन और सिक्स की पावर टेन इनको हमने अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई कर, सिक्स की पावर फाइव और ए की पावर फाइव, इनको हमने अलग अलग कर दिया। ए की पावर टेन है और सिक्स की पावर भी टेन है, सिक्स की पावर फाइव है और ए की पावर भी क्या है, फाइव है। तो हमने इनकी पावरों को अलग अलग कर दिया। तो ये देखिए ए की पावर फाइव है, ए की पावर ए की टेन, तो यहाँ पे ए की फाइव आ गया। अब ये सिक्स की पावर फाइव है और ये सिक्स की टेन है, तो यहाँ पे सिक्स की पावर कितना रह जाएगा, फाइव, यानी कि ये फाइव है और ये टेन है, तो इसकी फाइव कैंसिल हो जाएगी, बाकी फाइव रह गई। तो इसकी फाइव है और इसकी क्या है, टेन है, तो इसकी पावर ये फाइव है ये टेन है, तो आपके पास बाकी पावर कितनी रह जाएगी, फाइव रह जाएगी, फाइव इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया ए की फाइव और सिक्स की पावर है फाइव, तो ये ए की फाइव आ गया डिवाइड बाय सिक्स की पावर है फाइव, यानी कि फाइव जो है वो हमें बता रहा है कि हमने सिक्स को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाता है ऐसे ए की फाइव ओवर सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स ओवर सिक्स, तो आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाता है। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी, माइनस फोर और फाइव की पावर टू मल्टीप्लाई माइनस फोर और फाइव की पावर सिक्स मल्टीप्लाई माइनस फोर और फाइव की पावर माइनस फाइव। जिस तरह आपने पार्ट नंबर ए किया वैसे ही आपने पार्ट नंबर बी करना है, कि ये जो आपके पास बेस आपके पास सेम है पावर डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस है लेकिन ये दोनों आपके पास पावर प्लस की फॉर्म में है, तो आपने इनको पहले ऐड कर देना। तो माइनस फोर और फाइव ये है टू, ये है प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय ये वैसे का वैसे आ जाएगा, नहीं तो इसकी पावर जो है वो आप प्लस की फॉर्म में कर लें माइनस, इसको अगर आप उल्टाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव ऊपर और फोर नीचे, तो इसकी पावर आपके पास कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। तो माइनस फोर और फाइव सिक्स प्लस टू एट मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव और फोर की पावर फाइव, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हैं कि माइनस फोर की पावर भी एट है और फाइव की पावर भी एट है, मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव की पावर फाइव है और फोर की पावर भी फाइव है, तो इनको आपने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद ये फोर की पावर फाइव है और ये एट है, बाकी कितनी रहेगी थ्री, ये फाइव की पावर फाइव है और ये फाइव की पावर क्या एट है, तो यहाँ फाइव फाइव से कैंसिल हो जाएगी, बाकी इसकी पावर कितनी रह जाएगी, थ्री रह जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया माइनस, ये आपके पास क्या थ्री, फोर की पावर आपके पास थ्री है और डिवाइड बाय फाइव की पावर आपके पास क्या है, थ्री बाकी रहेगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर की पावर थ्री है, यानी कि फोर को आपने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तीन बार मल्टीप्लाई करना है, और फाइव को भी आपने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तीन बार मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
64 ओवर 120